दरअसल जो हमारे पालनहार हैं, हमारे शौर्य हैं, उन्होंने वीर लोग से हमें कहा है कि तिन्नासा कोई नई चाल रच रही है। साथ ही साथ मेरी जो माँ है बालपरी, वो भी कालपरी बनकर तिन्नासा के साथ जुड़ गई है। तो हम टेंशन में हैं कि कहीं विवान को प्रॉब्लम ना हो, ये बच्चे जो कहीं पे फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं, तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, कहीं पर वो सुरक्षित रहे। तो हम परियों को और मुझे बालवीर को इसी चिंता है कि विवान जो मेरा उत्तराधिकारी है वो सुरक्षित रहे और साथ ही साथ इन सब बच्चों की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज ना हो। तिन्नासा को रोकने के लिए हम बस यहाँ से निकलते हैं, कैसे क्यों रोकते हैं, फिर एक फैक्ट्री के बाहर जाते हैं। फैक्ट्री में तिन्नासा ने एक जहर फैलाया है जो उसका स्पेशल कालरोग का कोई जहर है, जो आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि वो कैसे बनाती है, और फिर उससे लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। उसका प्लान है कि जितने भी धरती पर धरतीवासी हैं वो काललोक वासी बन जाएंगे और धरती पूरी काललोक बन जाएगी, और काललोक के वासी बन जाएंगे तो काललोक के वासियों के जो पावर्स होती है वो धरती लोक के आम इंसान के पास होती है, और फिर वो तबाही मचाएगा और वीर लोक वाले परेशान हो जाएंगे। उसका प्लान है, और बालवीर को मेरे उत्तराधिकारी को मारना, मुझे मारना, वही उसका मेन मोटिव है। तो बस उसी के अराउंड हमारी स्टोरी घूम रही है, और ऑडियंस को आने वाले एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है कि पहली बार दोनों बालवीर मिलकर कहीं ना कहीं फाइट करेंगे तिन्नासा से, और एक बालवीर मुसीबत में तो दूसरा कैसे हेल्प करता है, और दूसरा मुसीबत में फंसता है तो पहला वाला कैसे उसकी मदद करता है। यही एक पूरा सर्कल हमने बनाया है, और आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने में बहुत मज़ा आएगा। हाँ, काल लोग भी दरअसल जैसे कि हमारे स्टोरी के हिसाब से काले तारे का समय अभी अभी गया है, जिस दौरान बुरी शक्तियों की शक्ति हमेशा चरम सीमा पर होती है। ये 20 साल में एक बार आता है काला तारा, और उसी के हिसाब से काललोक वालों की शक्तियाँ बढ़ चुकी हैं, और इसलिए उन्होंने उस टाइम पे सर्वकाल, तिन्नासा ने सर्वकाल यज्ञ भी किया जिससे उसकी शक्तियाँ उसे प्राप्त हुई। साथ ही साथ वीर लोक की जो शक्ति है, मेरी माँ जिन्होंने मुझे शक्तियाँ दी थी, वो आज काललोक के साथ कालपरी बन गई, तो उनकी भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि धरती पे पहले काललोक की पावर्स नहीं चलती थी, लेकिन मेरी माँ की होने की वजह से वो भी चलने लगी है। तो कहीं ना कहीं फाइट बिटवीन द गुड एंड इविल एट द सेम लेवल, ऐसा नहीं है कि कोई वीक है कोई स्ट्रांग है, दोनों सेम लेवल पर है, और कैसे दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और एंड में जीतता कौन है, ये तो आपको एपिसोड में देखने को मिले। सो काललोक वाले हैं वो जैसे भयमार है, जबदाली है, जबदाली भी पहली बार आ रहा है धरती पर, साथ ही साथ तौबा तौबा है, तिन्नासा है, ये सब अलग अलग पावर्स अपनी अपनी डेवलप करते हैं। साथ ही साथ भयमार जो है वो भी फाइट करता है मेरे साथ, उनका भी एक षड्यंत्र है, बालवीर को अलग जगह पे उलझा के रखते हैं ताकि यहाँ पे कुछ पता ना चले। तो काललोक वाले ज़्यादा शातिर हो गए, ज़्यादा चालक हो गए, कि उन्हें पता चल गया है कि दूसरा बालवीर भी आ गया है, और कहीं ना कहीं उनका भी ये प्लान है, जैसे बालपरी को कालपरी बनाया है वैसे ही बालवीर को हम कालवीर भी बना सकते हैं। तो बालवीर भी बुरा बन सकते हैं, मेरा उत्तराधिकारी भी बुरा बन सकता है, तो क्या वो बुरा बनेगा, हम उसे रोकेंगे कैसे, ये आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने में बहुत मज़ा आएगा, और बहुत मज़ा आने वाला है, हमें शूट करने में तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो देखिएगा ज़रूर आप बालवीर रिटर्न्स, ओनली ऑन सोनी सब एट इट।